Hello everyone. Today we'll discuss about the art of summarizing and abstracting. आज हम आपका जो कंपोजिशन स्किल्स का सेकेंड चैप्टर करेंगे और जो है आपका समराइजिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग. समराइजिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है कि आपके पास एक पैरा होगा, एक पैराग्राफ होगा. यू विल बी प्रोवाइडेड अ लॉन्ग पैराग्राफ और फिर उसको आपने एक समरी बनाना है. और समराइजिंग का मीन्स क्या होता है आपका, समराइजिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग का अर्थ है कि किसी भी बड़े पैराग्राफ या लेख को उसका एक सार बनाना, उसकी एक समरी बनानी, और जितने भी कम शब्दों में हो ये उतना ही अच्छा होता है. और इसकी जो भाषा है वो सिंपल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए. और इसको पढ़ के जैसे हम समरी को पढ़ेंगे तो हमें ये लगना चाहिए कि इसका ये पैराग्राफ हो सकता है. तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, पॉइंट्स हैं आपके. पॉइंट्स टू रिमेम्बर कि जैसे ही आप एक पैराग्राफ, एक लॉन्ग पैराग्राफ की एक समरी या उसका एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको उसको बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि हम एक अच्छा, एक अच्छी समरी बना सकें. तो पॉइंट्स क्या हैं आपके, फर्स्ट है कि वो अपने शब्दों में होना चाहिए. फर्स्ट है कि जो भी आप समरी बनाएंगे वो पैराग्राफ को रीड करके वो अपने शब्दों में बनाएंगे. ये नहीं है कि पैराग्राफ आपने पढ़ा और उसमें से 10 लाइन ली और 10 लाइन्स को लिया और वो आपने लिख दी. ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने शब्दों में होना चाहिए. जिस तरह हमने कल आप के पता ये पढ़ा था कि किस तरह हम एक प्रेसी बना सकते हैं, उसी तरह समरी को भी बनाते हुए पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे और फिर उनको धीरे धीरे कलेक्ट करते हुए, कनेक्ट करते हुए उनको क्या नाम है, एक समरी के रूप में हम लिखेंगे. और सबसे पहले क्या है कि इसका जो क्या है वो खुद अपने शब्दों में होनी चाहिए. और नेक्स्ट है आपका, तर्कसंगत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. ये नहीं है कि आपने कहीं से अपने विचार डाल दिए और कुछ और लिख दिया. ये उस पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए, बियॉन्ड पैराग्राफ आप नहीं जाएंगे. और बिल्कुल एक नोट्स टाइप नहीं बनाएंगे कि थोड़ा सा ये बना ले, थोड़ा ऐसा नोट्स टाइप नहीं बनाएंगे. और थर्ड है आपका, थर्ड पॉइंट है क्या, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर में है कि यह है कि कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने आधा पैराग्राफ पढ़ा और फिर उसी में से आपने बना दिया. पूरा का पूरा आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसकी फिर आप इसकी समरी बनाएंगे. और ये जो भी आप बनाएंगे ये पूरे जो मैसेज को क्लियर करता हो, मैसेज को मैसेज क्लियर होना चाहिए. इसे इसका जो मैसेज आएगा, जो इसमें हम लिखेंगे वो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. और जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसका जो रियल जो पैराग्राफ है वो ये है. तो हमें समरी से पूरे पैराग्राफ के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, कोई कॉमाज में नहीं होना चाहिए, कोई कॉमाज में डायलॉग नहीं लिखोगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए. और लास्ट है आपका कि ये कम शब्दों में होना चाहिए, ये कम शब्दों में होना चाहिए. ये नहीं है कि आप बस लिखते ही जाएं, लिखते ही जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और तब आप जाकर इसकी समरी बना सकते हो.
और फिर आप समरी बनाने के बाद इसका एक एब्स्ट्रैक्ट भी दोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सार। उसी समरी में से दो टू और मोर लाइंस जो इंपॉर्टेंट है, जो पूरे पैसेज के बारे में बताती हूँ, वो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखें। पहले समरी लिखेंगे, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में उस समरी में से ही आपकी दो या तीन लाइंस होंगी जो वो पूरी समरी को बताती होंगी, और उस एब्स्ट्रैक्ट से हमें पूरे पैसेज की के बारे में पता चल जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।